foremost and primary place for the Muslims. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not worry about his living, did not worry about any other place, but first he worried about making the masjid. And he sallallahu alaihi wasallam, like we mentioned before, that when he entered Medina, he asked the Sahaba ikram to don't, you know, grab its rope, but let it be on its own. So finally, when this camel, she sat down with the order of Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam announced that inshallah, this place we will make masjid. And he inquired, who owns this land? So there were two orphan children. Their name was Sahal and Suhail. So it was informed that these two young men, they own this land. And they were under the guardianship of Hazrat Usaid ibn Hudayr radiallahu anh, and some people say under the guardianship of Ma'az ibn Afra radiallahu anh. So when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he called them and asked, I want to buy this land from you for the purpose of building the masjid. They said, no, O Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we will give you gift. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, no. ये कैसे हो सकता है कि एक यतीम के माल को दुर्रे यतीम बगैर किसी कीमत के ले ले? यतीमों के सरदार और खुद जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमी में पाला पोसा बड़ा किया, वो यतीम के दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकते थे। उन्होंने कहा कि मैं बगैर कीमत के तुमसे ये नहीं लूंगा, मुझे कीमत उसकी अदा करनी है, कीमतन बताओ। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आप चाहते हैं, आपकी मर्जी। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु, जिनके यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था मदीने में उतरने के बाद, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसकी कीमत अदा करता हूँ। आपने इशारा किया कि नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि सिद्दीक़, अपने पास से इसकी कीमत अदा। तो 10 दीनार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पास से अदा किए। कितने इनामात अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पर किए। पहले ईमान लाने वालों में शामिल, मक्के में जब थे तो कुफार के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल बने। सहाबा-ए-किराम तकलीफें उठा रहे हैं, कुफारों के हाथों पे सजा उनको मिल रही है, तो उनको खरीद खरीद कर आजाद करने वाले, उनकी माली मदद करने वाले। फिर हिजरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तंदुरुस्त ऊंटनियों को तैयार रखने वाले, और हिजरत के सफर में आपको आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करने के लिए सेलेक्ट किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि एक रात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर ने ग़ारे सौर में गुजारी है, अगर वो एक रात की नेकी मुझे दे दे और पूरे मेरी नेकियां ले ले, यानी इतनी अहम मानते थे वो उस नेकी को। अल्लाह ताला ने वो सिद्दीक़ अकबर को इतने बड़े बड़े दर्जात नसीब फरमाए। और फिर इस मस्जिद की ज़मीन की कीमत अदा करवाई। अब रहती क़यामत तक जितने हजरात वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे उसका सवाब उनके खाते में भी तो जाएगा, क्योंकि ज़मीन की कीमत उन्होंने अदा की। अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के लिए मस्जिद बना देते हैं जो दुनिया में मस्जिद बनाता है, जन्नत में घर बना देते हैं। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन मिस्लहु फिल जन्नत, कि जो शख्स दुनिया में मस्जिद बनाए अल्लाह ताला उस जैसा घर उसका जन्नत में बना देते हैं। तो ये सिद्दीक अकबर को काफी अल्लाह तबारक व ताला ने फजाइल से नवाजा। ऐसे ही खलीफा अव्वल बिला फसल नहीं बन गए,
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اشارات اور کنایات بھی دی. جب یہاں پر مسجد کی تعمیر ہونے لگی، حجر مبارک تیار ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک صحابی کو اپنی فیملی کو لانے کے لیے بھیجا، تو اس وقت بھی صدیق اکبر سے کہا کہ تم فائنانس کرو، 500 درہم انہوں نے دیے راستے کے سفر کے طور پر. تو اس سفر میں حضرت صدیق اکبر کی فیملی، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت عبداللہ ابن ابو بکر، اور پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، اور حضرت زینب تو نہیں آ سکی کیونکہ وہ ابو العاص ابھی مشرک تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان کی زوجہ تھی تو وہ اس وقت نہیں آ سکی. اسی طرح پھر ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں میں سے ہوتی ہیں، دودھ پلانے والوں میں سے ہیں وہ بھی. تو یہ تمام کو اس سفر میں ہجرت کروا کے لایا گیا تھا. تو حضرت صدیق اکبر نے اس کی قیمت ادا کی. اور اس جگہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ کھلیان تھا جہاں پہ کھجوریں سکائی جاتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو صاف کروایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں، اس کو آپ نے اکھڑوایا اور ان درختوں کو کٹوایا، کھجور کے کچھ درخت وغیرہ تھے، ان کو ستون کے طور پر استعمال کیا اور اس مسجد کی تعمیر شروع ہوئی. ایمان کا جذبہ دیکھیے صحابہ اکرام کا. مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجر. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ کچھ نہیں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یعنی ہم نے یہ جو کچھ نیکیاں کرنا ہے وہ آخرت کی زندگی کے لیے کرنی ہے، اس زندگی کے لیے کرنا نہیں ہے. بابر عیش کوش کے زمانہ دوبارہ نیست والا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی زندگی ایک بار ملی ہے تو اسی میں عیش کر لو، زندگی گزار لو، بلکہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. فرحم الانصار والمہاجرہ. تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما. اور پھر آپ یہ کہتے تھے، ھذا الحمال لا حمال خیبر فإنه أبر ربنا وأطهر، کہ یہ بوجھ جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ تو ہمارے رب کے پاس سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی پاکی کا ذریعہ ہے. اس کے لیے کچی اینٹ تیار کی گئی، پتھر جمع کیے گئے. کہتے ہیں کہ 3 ہاتھ گہری اس کی بنیاد رکھی گئی اور 100 ہاتھ ایک طرف کی دیوار، یعنی لینتھ وائز، اور ویڈتھ بھی 100 ہاتھ 100 یارڈز، مگر کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کمی بھی تھی یا برابر تھی. اس طرح سے مسجد تیار کی گئی، مسجد نبوی، پہلی مسجد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی، اور یہی اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے اندر نماز قائم کی جائے. اور اس میں ایسے لوگ یہاں پر ہیں جو پاک رہنے اور پاک بازی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک بازوں کو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اشعار سنتے ہیں تو وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کام کر رہے ہوں اور ہم بیٹھ کے دیکھیں، یہ تو پھر ہمارا گمراہی والا عمل ہوگا. تو اس طرح آپس میں جوش و خروش اور آپس کے اندر ایک دوسرے کی ہمت افزائی ہو رہی تھی. اسی لیے آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ جہاں پر مزدور کام کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ
अल्फाज निकालते हैं या कुछ बोलते हैं या गुनगुनाते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को हिम्मत मिलती है और काम आगे बढ़ता रहता है। तो मस्जिद की तामीर होने लगी, कच्ची ईंट यानी जो पकाई ना गई हो बल्कि ऐसी मिट्टी की ब्रिक्स बना ली गई हो, और पत्थर को जमा जमा कर दीवारें खड़ा की जा रही थी। कहते हैं कि उसकी ऊंचाई जो थी कद्दे आदम की उतनी थी, यानी हमारे जो हाइट होती है बस उतनी ही उसकी ऊंचाई भी थी, 6-7 फीट की होगी। और फिर उसके ऊपर छत जो डाली गई खजूर के छाल और खजूर के पत्तों की डाली गई, और उस पर कुछ मिट्टी डाली गई। जब बारिश तेज होती तो वह मिट्टी भी अंदर आती और पानी पूरा कीचड़ जमा हो जाता। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको पुख्ती कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। और कुछ अंसार सहाबा इकराम ने पैसे भी जमा करके ला कर दिए कि इसकी कुछ खूबसूरती तज़ीम की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मस्जिद की तज़ीम करने से मना किया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह क़यामत की निशानियों में से होगी कि लोग मस्जिदों को तज़ीम, उसकी खूबसूरती करेंगे। क्योंकि इस्लाम का जो मेथड है और इस्लाम की जो फिलॉसफी है वो ये है कि जितना जिस चीज़ से काम चल रहा है उससे काम चलाओ, और बाकी की चीज़ों को किसी ऐसी चीज़ में यानी तालीम के फ़रोग में और मुसलमानों की जो है फाइनेंशियल एड्स वगैरह में इसके अंदर इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, ताकि माशरे को मुस्तहकम किया जाए, माशरे को इल्मी बनाया जाए, माशरे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया और ये मस्जिद ऐसे ही रही। फिर बाद में जो है इस मस्जिद के नक्शे चेंज होते होते आज हम जो नक्शे में देखते हैं कि बिल्कुल उसका वजूद ही बदल गया। ये मस्जिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ मस्जिद ही नहीं थी बल्कि ये मस्जिद भी थी, मदरसा भी था, और उन बेयार और मददगार मुहाजरीन जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनको कोई देखभाल करने वाला नहीं, ये उनका ठिकाना भी था। ये एक पार्लियामेंट भी थी, ये एक जो है मशवरे की जगह भी थी, यानी तमाम यानी हुकूमत भी वहीं से चलती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मल्टीपल यूज़ में इस्तेमाल करते थे, मल्टीपर्पज मस्जिद थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरह से एक एक चीज़ को सेटल मुस्तहकम करने लगे तो अब यहाँ पर एक ज़रूरत महसूस हुई कि मुसलमान जो मस्जिद के आसपास तो थे ही बल्कि आबादी दूर तक फैली हुई थी, तो 5 वक्ता नमाज के लिए इनको बुलाया किस तरह जाए। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। हज़रत अब्दुल्ला इबन जैद इबन अब्द रबी की रिवायत है मिश्कात शरीफ में तफसीली इसके बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, तो किसी ने मशवरा दिया कि हम भी कुछ झंडा उंडा लहरा दिए जाए ताकि लोग समझ लें कि नमाज का वक्त हो गया। किसी ने कहा कि आग जला दी जाए कि लोग देख के समझ जाए कि नमाज का वक्त हो गया। किसी ने कहा कि नसारा की तरह घंटी बजा दी जाए, नाकूस बजाया जाए। किसी ने कहा यहूदियों की तरह जो है सीटी वगैरह जो भी उनका तरीक़ेकार है उसको किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं की और मीटिंग बगैर किसी मसला हल हुए ख़त्म हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ज़्यादा अमल करने वाले थे जो खुदा आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार कर ले वो उन्हीं में से है। तो आपने उनकी मुशाबहत अख्तियार करनी नहीं चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन नहीं था इनमें से किसी चीज़ से। तो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद फरमाते हैं कि मैं मीटिंग के बाद गया अपने घर में सो रहा था, तो मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक आदमी ने आया और मुझसे कहा कि एक आदमी था उसके हाथ में नाकूस था, तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम ये मुझे बेचोगे। तो उस शख्स ने कहा कि क्या किस लिए चाहिए।
मैंने कहा कि भाई वो हम नमाज के लिए बुलाने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख्वाब की बात। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे बेहतर वाली चीज तुमको ना बताऊं। फिर उन्होंने अल्लाह अकबर पूरी अजान ख्वाब में उनको सिखाई। तो आप सर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको अपना ख्वाब बताया, तो आपने कहा कि ये सच्चा ख्वाब है। हाँ देखिए, ख्वाब के माँ मुतालिक भी आम तौर से जो है लोग कहते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर बताइए। ख्वाब के मसले के बारे में एक बात जहन में रखें कि पहली बात तो यह है कि ख्वाब दो किस्म के होते हैं, एक होता है अहलाम कहते हैं और एक होता है रुया जिसको कहते हैं। अहलाम जो होते हैं वो शैतानी तफक्कुरात और ख्यालात होते हैं, और जो रुया होता है वो जो है हक होता है। और फिर उसके अवकात वगैरह भी बताए, और उसका आपकी तबीयत वगैरह पे भी डिपेंड है वो चीज़ कि कहीं आपको बुखार वगैरह तो नहीं जिसकी वजह से आपने ऐसा ख्वाब देखा हो अपनी दिमागी उसकी वजह से, या जो है आपके पेट वगैरह की गड़बड़ होने की वजह से कुछ इस तरह के जो है ख्यालात आए हों। और तीसरी अहम बात यह है कि अपना ख्वाब किसी के सामने जल्दी बयान ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब ऐसे ही है जैसे कि चील के पंजे में शिकार। तो ख्वाब जैसा आप सुनाओगे सामने वाला आपको जो ताबीर देगा अल्लाह ताला उसे ही आपके साथ कर देगा। इसलिए अपना ख्वाब सुनाना भी है तो किसी खैर ख्वाह के सामने सुनाए ताकि वो उसकी अच्छी ताबीर दे। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर कभी बात करते हैं ख्वाबों के मसले में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह सच्चा ख्वाब है, और चूंकि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ये आवाज में तुमसे ज्यादा बुलंद आवाज वाले हैं। अब जैसे होती है किसी की आवाज, अब जैसे मेरा जैसा आदमी बगैर माइक के भी पढ़ाए तो पीछे वाले तक सुन सके, और बाज़ हज़रात होते हैं कि माइक में भी पढ़ाओ तो दूसरे तक सुनना मुश्किल होता है। यानी आवाज अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर हर चीज अलग अलग खूबी रखी है। तो उन्होंने कहा कि बिलाल तुमसे ऊंची आवाज वाले हैं, बिलाल को तुम ये अल्फाज कहते जाओ वो अजान देंगे। और देखिए यहाँ पर सिर्फ बिलाल की आवाज ही को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, बल्कि आप ये बताना चाहते हैं कि बिलाल इस्लाम कबूल किए तो बिलाल एक गुलाम थे, और गुलाम और आका में कोई फर्क नहीं। यही इस्लाम का असल कानून है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद बादशाह था और अयाज उनका गुलाम, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। देर इज नो स्लेव, देर इज नो ओनर, एवरी वन इज इक्वल इन द साइट ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला। और बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने यह मर्तबा दिया कि वो इस्लाम में सबसे पहले मुअज्जिन बने, सबसे पहले अल्लाह के नमाज की तरफ लोगों को बुलाएं, आवाज दें। अजान देने वाले की फजीलत पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन इनकी गर्दन दूसरों से ऊंची होगी। ये एक अल्लाह की तरफ से शर्त हो, तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये वो लोग थे जो दुनिया में अल्लाह के दीन की तरफ मस्जिद की तरफ हया अला सलाह हया अला फलाह कहकर बुलाते थे, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। जब बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अजान देने लगे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद के बताए हुए तरीके पर, कहते हैं कि हजरत उमर भी अपनी नींद में से उठे, वह हुआ यजुर्रु रिदाअहु, हदीस के अल्फाज है कि वो अपनी चादर को ऐसे ही घसीटते जा रहे थे। यानी जो आदमी चादर ओढ़ के सोता है तो जब जल्दी में होता है वही चादर पकड़ के अपने साथ में दौड़ते हुए आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी यही ख्वाब देखा और यही अल्फाज मुझे भी सिखाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको वही के जरिए से भी इसकी ताकीद कर दी गई कि अब नमाज को बुलाने के लिए यही अल्फाज होंगे। आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां पर ये अल्फाज ना गुंजरे हों, और कोई वक्त ऐसा नहीं जब ये ना गुंजरे हो। दुनिया के 24 घंटे में कि दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
हया अला सला, हया अला फला, इसकी आवाज गूंजती रहेगी, कयामत तक गूंजती रहेगी इंशाअल्लाह। तो इस तरह से अजान का भी मसला हल हो गया नमाज को लोगों के लिए, लोगों को जमा करने के लिए। तो ये आज की चंद बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो सीरत का हम दर्स कहते हैं और सुनते हैं इसके ज़रिए से